जी सावित स्वान, नो सी लॉन्ग टाइम, टू डेज, वेयर गुम? अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, हमजा आप भी उस्मान आप होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी उस्मान और हमजा, आप सुनिए मुझे बताएं, आज 6 to 7 आपका लेक्चर है कोई? हेलो, 6 to 7 लॉ? अच्छा जी, 6 to 7 तो क्या टाइमिंग है उसकी? नहीं, नहीं नो है, ये क्या है? ये 2.5 आवर का होता है? अच्छा तो, अच्छा 5 to 7:30 अगर चले, अगर हम ट्राई करें तो 6 to 7 की भी रिकॉर्डिंग ले लेंगे आप, या कुछ हो जाए अगर पॉसिबल 6 to 7? ओके okay. मीन्स वायबल है 6 to 7? ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी हेलो, ओके फाइन, इंशाल्लाह तआला मेकअप सेशन वुड बी एट 6 to 7। ओके, नहीं उसकी सिर्फ रीजन है कि कल फ्राइडे का जो 6 to 7 होगा ना, फिर कल आपको आइडिया ना, फ्राइडे और सैटरडे हमारा 6 to 7 होता है, तो वो नहीं होगा कल, कल तो उसको आज इंशाल्लाह हम कर लेंगे 6 to 7। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द डे इज 14, राइट? नहीं अभी संडे इनफैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है राइट नाउ। ओके, आप काइंडली ये अपना जरा बैकग्राउंड चेंज कर लें,
जी ओके उस्मान, अभी मैं संडे रिक्वायर्ड नहीं है, अगर रिक्वायर्ड होंगे तो इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, लेकिन राइट नाउ आई गेस देयर इज नो नीड फॉर संडे। सो अननेसेसरीली क्लासेस मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, सो अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नो इश्यू। वैसे भी मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी पूरी एफर्ट होगी कि आप लोगों का जो फैब है मैक्सिमम वो जितना ज्यादा आपको मिल सके रिवीजन के लिए वो आप करें, हम इसको मैक्सिमम टाइम के अंदर जो आपका सेव है टाइम हम कर सकेंगे, उसके लिए कुछ हम एक्स्ट्रा क्लासेस जनवरी के अंदर ही कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके बिस्मिल्लाह, मुझे बताएं थोड़ा सा क्या नाम है हमजा, कल डिस्कस हुआ था हमने न्यूमेरिकल्स कल डिस्कस किए थे, राइट? न्यूमेरिकल डिस्कस हुए थे, उसकी इलस्ट्रेशन बुक में अवेलेबल होती हैं, आप लोगों ने इलस्ट्रेशन से आगे मूव करना है। ओके ओके, अब मुझे बताएं हमने बार्टर सिस्टम डिस्कस किया था, बार्टर सिस्टम अच्छा आपने विश्वान वो टेस्ट अभी पेंडिंग है, आपने उसको किया अटेम्प्ट? टेस्ट अटेम्प्ट हुआ है? टेस्ट आज करें, मैं आपसे फिर कल डिस्कस भी कर रहा हूं। ओके आप लोगों के एक का आ गया टेस्ट मेरे पास आज, उसका आपका भी आ जाएगा टेस्ट, तो फिर कल इंशाल्लाह हम किसी टाइम में टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आज आप 6 बजे से पहले सबमिट करवा दोगे तो मैं दोनों टेस्ट इवनिंग में डिस्कस भी कर लूंगा आप लोगों का, दैट विल टेक मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, आपको टेस्ट मार्क हो जाएगा वहीं पे ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके लेट्स मूव फॉर द टॉपिक दैट इज डिमांड फॉर मनी, सॉरी दैट इज मनी पे, आपका जो बुक है पेज नंबर 221, पेज नंबर 221, बार्टर सिस्टम डिस्कस किया था हम लोगों ने, इज इट डन? बार्टर सिस्टम के इनकन्वीनियंसेस, सेवरल प्रॉब्लम्स, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, आई गेस एंड आई रिमेम्बर कि यहां तक डिस्कस हुआ हुआ है, एंड वी हैव टू स्टार्ट विद काइंड्स ऑफ मनी, इवन काइंड्स ऑफ मनी भी हमने कर लिया होगा। यस काइंड्स ऑफ मनी भी डिस्कस हो गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी भी डिस्कस हो गया होगा फिर नहीं? ओके तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, करेक्टर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी जी, फर्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। बार्टर सिस्टम में आपको याद होगा सबसे बड़ा इश्यू जो आया था वो ड्यूरेबिलिटी का था, कि बार्टर सिस्टम में आप गुड्स होल्ड करते हो और उन गुड्स के अगेंस्ट भी गुड्स और सर्विसेज को आप एक्सचेंज करते हो, आप गुड्स अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप एक्सचेंज करते हो तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को होल्ड करना पड़ेगा आपको जिन्हें आप बाद में एक्सचेंज करना है। सपोज आपने पोटैटोज टोमेटोज लाइक कोई वेजिटेबल्स को पेरिशेबल आइटम्स जो है वो होल्ड की हुई है जिनके अगेंस्ट आपने कल आपको गुड्स परचेज करनी है, तो वो ड्यूरेबल अगर नहीं होगी तो आप उनको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम आया था, प्रॉब्लम ऑफ पेरिशेबिलिटी, तो मनी ने सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि ड्यूरेबल होना चाहिए, मनी वो होती है जो पेरिशेबल ना हो, जो वेस्ट ना हो जाए, यू कैन सेव फॉर लॉन्ग टाइम। सेकेंड है डिविजिबिलिटी, ओके अब डिविजिबिलिटी क्या होती है, बार्टर ट्रेड में इश्यू था कि आप एक काउ को सपोज वन काउ आपने सपोज यू हैव वन काउ बट यू नीड सम टाइम टू एग्स, सम टाइम यू नीड 2 kg राइस, समटाइम यू नीड 1 लीटर ऑयल, तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वन काउ के अगेंस्ट आप एक्सेप्ट करें,
राइट। सो यू हैव टू कट द काउ, तो कटिंग करके तो वो सारी काउ वेस्ट हो जाएगी आपकी। इसी तरह सपोज यू हैव वन कार एंड यू वॉन्ट टू गेट टू एग्स, यू वॉन्ट टू गेट टू ब्रेड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऐसी इनकन्वीनियंसेस में मनी क्या करती है, अगर आपको मनी आ जाए तो काउ को आप कन्वर्ट करें सपोज 10,000 में। अब 10,000 में से आप 100 रुपीज निकाल के उसमें से कोई भी चीज परचेज कर लें, ओके। सो दैट मींस मनी एक डिविजिबिलिटी का रोल भी प्ले करती है, ओके ठीक है उसमें। थर्ड है ट्रांसपोर्टेबिलिटी। ट्रांसपोर्टेबिलिटी एग्जैक्टली, आपका लाहौर में प्लॉट है एंड यू वॉन्ट टू स्विच ओवर टू लाइक कराची। सो ये तो इमूवेबल है, तो इमूवेबल को आप कैसे मूव कर सकते हैं वहां पे। इवन कुछ चीजें मूवेबल भी होती हैं लेकिन उनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट है। सपोज आपके पास किसी रूरल एरियाज में 100 काउ हैं, कोई 20 शीप्स हैं, कोई 50 चिक्सन है। अब ये सारी चीजें कैसे जा सकती हैं कराची, इट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, लाहौर का प्लॉट कराची जा ही नहीं सकता अनटिल अनलेस इसको मनी में एक्सचेंज करें। उन मिलियंस को आप कराची में जाकर प्लॉट परचेज कर लें, सो इट वुड बी ट्रांसपोर्टेबल, राइट। एंड लास्ट वन ना, ये फोर्थ वन क्रॉस कर दें। वैसे आप इसको डिस्कस कर लेते हैं लेकिन इनफैक्ट आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं। कन्वर्टेबिलिटी है असल में, ये डुप्लीकेशन का इश्यू होता है ना, जब कभी आपको माइंड रेट के बार्टर सिस्टम में या उससे आगे कमोडिटी मनी में एक टाइम ऐसा आया कि टोबैको को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया। तो अब टोबैको लोगों ने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, तो अगर आप घर में ही टोबैको कल्टीवेट कर लेंगे तो आप विदाउट सर्विसेज ही मनी जनरेट कर रहे हैं। ऐसी सूरत में मनी एक ऐसी होनी चाहिए जिसकी डुप्लीकेशन ना की जा सके, राइट। आप खुद उसको प्रिंट ना कर सकें, खुद आप उसको डुप्लीकेट जनरेट ना कर सकें। राइट क्योंकि देखिए ना, अगर आपने अपनी मनी खुद ही बना लेनी है तो फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे तो सब लोग ही अपने पास पैसा खुद बनाएं, तो उन्हें क्या जरूरत ट्रेडिंग करें या सर्विसेज एक्सचेंज करें। पैक में मुझे सर्विसेज देने का बेनिफिट तो सिर्फ यही है ना कि मुझे यहां से मनी मिलती है, आई एम गेटिंग माय मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। और अगर मुझे घर बैठे खुद से मनी बना लूं देन व्हाई शुड आई गो फॉर दिस हेक्टिक एक्टिविटी। इसी तरह से लोग दुनिया में जो घूम फिर रहे हैं ऑटो लेके, शहर में शख्स घूमता है, अगर उसको पैसे घर बैठे उठाए प्रिंट हो जाने हैं तो उसको क्या जरूरत पड़ी हुई कि ही हैज टू फेस ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होल डे। सो दैट इज वेरी इजी कि कन्वर्टेबिलिटी का या डुप्लीकेशन का या सेल्फ क्रिएटेड मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं क्रेडिट मनी। वर्ड है क्रेडिट, यू गॉट इट, द वर्ड क्रेडिट उधार। When you don't have money, listen, when you don't have money, but you want to purchase goods, but you want to make some investments, but you want to purchase goods and services, but you want to satisfy your needs, even you don't have money, right time मुझे किसी ने offer किया कि sir ये plot की file है, आप अगर उठा लें 10 लाख रुपए सिर्फ देना है, 10 लाख देके आप file भेज के 2 महीने के अंदर अंदर आपको return आएगा, निकल जाना। मैं 3 months का borrow करूं bank से, इधर invest करूं, निकल जाऊं, 2-3 माह के बाद बैंक को रिटर्न करूं, लाख 1.5 लाख 2 लाख का प्रॉफिट लेके निकल जाऊं,
ऐसे सो क्रेडिट मनी मीन्स व्हाट? व्हेन यू डोंट हैव मनी बट यू वांट टू परचेज समथिंग और यू वांट टू मेक सम इन्वेस्टमेंट्स, सो एट दैट टाइम इफ यू वांट टू हैव समथिंग विदाउट मनी देन यू कैन यूज क्रेडिट मनी. तो क्रेडिट मनी क्या होती है? एनी मॉनेटरी क्लेम अगेंस्ट अ फिजिकल और लीगल पर्सन दैट कैन बी यूज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी ऐसा लीगल क्लेम आप स्टैंप पे लिख के दे देते हो, एफिडेविट दे देते हो, सिक्योरिटी परचेज कर लेते हो, बॉन्ड्स कर लेते हैं, जिसके अगेंस्ट आप कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं. सिर्फ लिख के मैंने दे दिया स्टैंप पे आपको, यार ये चीजें मुझे आज दे दो, मैं आपको नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर दूंगा. वो कहता ओके फाइन. प्रॉपर्टी के केस में आपने देखा होगा अक्सर ही, प्रॉपर्टी केस में आप क्या करते हैं, एक टोकन देते हैं, साथ लीगल एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, उसके बाद पूरी पेमेंट आपको 2-3 माह के बाद करते हैं. सो दैट इज व्हाट क्रेडिट मनी. कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व नहीं हो. और इसके फायदे क्या होते हैं? एक तो यह है कि इमीडिएट आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, आपके पास पैसे नहीं है बट यू वॉन्ट टू हैव समथिंग तो आप उधार ले लेते हो. सेकंड, इन्वेस्टमेंट करना आसान होती है. आज कोई मुझे शेयर की प्राइस अच्छी मिल रही है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं उस ट्रांजेक्शन से गेन करना चाह रहा हूं, देन आई कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी कि पैसे इधर से लिए इधर पेमेंट कर दी. डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ी बात, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है. रिस्क किसी भी कॉर्नर से हो सकता है, जिसने आपको लोन दिया हुआ है उसका भी बहुत बड़ा रिस्क है. और सेकंड, ट्रस्ट का, दो पार्टीज के दरमियान ये इतना इजी ट्रांजेक्शन नहीं होती कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दे दूं कि आई विल मीट यू दिस पेमेंट वेरी आफ्टर 2 or 3 months और ये मुझे आज इस वक्त 10-20 लाख रुपए का सामान आप उठवा दें. तो वो जो मनी वेस्ट या कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है वो तो बड़ी श्योर होती है. आप मुझे 10 लाख रुपए दें, मैं आपको एक गाड़ी चीज उठा दूं कि जनाब ये आप कार ले जाएं. लेकिन वो क्या हुआ कि मैं आपसे 1 लाख रुपए लेके 10 लाख की चीज दे रहा हूं आपको, और समटाइम्स 0 एडवांस के ऊपर. सो दैट इज ट्रस्ट. ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं असल में ये काम ही यही करते हैं, इनका काम ही यही है कि ये दो पार्टीज के दरमियान इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं. ओके, राइट. नेक्स्ट पेज पे आए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, डिमांड फॉर मनी. डिमांड फॉर मनी बड़ा आसान है. डिमांड मीन यू वॉन्ट टू हैव, यू वॉन्ट टू गेट, यू वॉन्ट टू कीप विद यू समथिंग. पीपल वॉन्ट टू हैव लिक्विड एसेट्स. रादर इलिक्विड आपको दो ऑप्शन हैं, कैश और डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकों में पैसा रखें किसी वक्त भी निकलवा सकें. सेकेंड, बॉन्ड्स एटसेट्रा. बॉन्ड्स फौरी आपको आईडीआर रिटर्न नहीं होते हैं, फॉरन कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और डीडी डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ये तो किसी वक्त भी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, ये आपको कुछ नहीं दे रहा है, ये तो बड़ा बड़ा डिवेल्यूट ही हो रहा है, डेप्रिशिएट ही हो रहा है. केन्स कहता है केन्स का स्ट्रेस है कि व्हाई पीपल वांट टू हैव दिस वन एंड व्हाई नॉट दिस वन, इवन
इट इज यील्डिंग सम इंटरेस्ट। ये जरा मेरी बात और से सुननी है आप लोगों ने। केन्स का स्ट्रेस ये है कि व्हाई पीपल प्रेफर लिक्विड एसेट्स रादर इलिक्विड, इवन इलिक्विड यील्डिंग सम इंटरेस्ट। मैं वैसे बॉन्ड्स की शक्ल में रखूं, सिक्योरिटीज की शक्ल में रखूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रखूं, प्रॉपर्टीज में रखूं, इवन वहां से मुझे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट यील्ड होगी, रिटर्न आएगा, बट आई एम प्रेफरिंग टू कीप दीज एसेट्स इन इलिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, कैश फॉर्म, रेडी टू यूज फॉर्म। केन्स कहता है कि ये क्या वजह है। वो इस वजह को तो बाद में बताता है, इस बिहेवियर को डिमांड फॉर मनी कहता है वो। पॉइंट समझ आया? राइट। केन्स का जो स्ट्रेस है वो ये है कि इवन आई कैन गेट सम यील्ड, इवन आई डोंट वॉन्ट टू गेट दिस वन यील्ड एंड प्रेफरिंग कैश और नियर कैश। वो कहते हैं ये जो बिहेवियर इंसान का होता है इससे वो कहता है डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस टू कीप लिक्विड फॉर्म एसेट्स। सर ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? कृष्ण राइट। अब केन्स इस बिहेवियर को कहता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस और वो इसकी अब रीजन बताएगा कि इसकी रीजन क्या है असल में। मोटिव्स, इनफैक्ट स्टिमुलेंट्स कौन है इसके, बिहाइंड द सीन क्या है। केस कहता है बिहाइंड द सीन क्या है जिसकी वजह से ये लोग अपना एटीट्यूड लिक्विड से इलिक्विड की तरफ लेके जाते हैं, सॉरी इलिक्विड से लिक्विड की तरफ लेके जाते हैं। उसके लिए केन्स ने इसको मोटिव्स का नाम दिया, मोटिव्स। अंग्रेजी में इसको कहेंगे रीजंस और केन्स ने इसको क्या नाम दिया हुआ है, मोटिव्स फॉर राइट। उसने थ्री मोटिव्स इसके बताए, देर आर थ्री बेसिक रीजंस। वन इज ट्रांजिटिव, सेकेंड इज प्रीकॉशंस, थर्ड इज स्पेकुलेटिव। वो कहते हैं कि ट्रांजेक्शन, पहली रीजन सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, यस बीन टेस्टेड ऑलरेडी मेनी टाइम्स, रीसेंट अटेम्प्ट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट आई मीन रिपीटली टेस्टेड टॉपिक्स, सो प्लीज फोकस इट, प्रिपेयर भी करें इसको एंड फोकस भी करें, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। पहली रीजन उसने बताई है व्हाई पीपल टू प्रेफर, कहते हैं ट्रांजेक्टिव मोटिव्स होते हैं, यू वांट टू हैव मनी बिकॉज यू हैव टू मीट योर डे टू डे ट्रांजेक्शंस, यू आर कैरिंग मनी, आई एम कैरिंग मनी, योर पेरेंट्स कैरिंग मनी, so on daily basis I don't want to keep my all money into property, into fixed assets, मैंने खाना पीना है, मैंने transportation करनी है, health करनी है, बेशुमार मेरे matters हैं जो day to day expenses हैं, so I want to have that money just to what, to meet मेरी transactions के लिए जो मैंने रखना है। second है precautions, precautions means what, precautions होती है unanticipated, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप एंटिसिपेट करते हो। जस्ट टेल मी वन थिंग, कैन यू एंटिसिपेट कि कल आपका पूरे दिन में
ईटेबल्स पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, फ्यूल पे, टेंटेटिव सा क्या एक्सपेंस होगा, डू यू नो? यस, एवरीवन नोस, एवरी रैशनल पर्सन, एवरी सेंसिबल, एवरी पर्सन हैविंग अ कॉमन सेंस इवन, कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं इसके लिए, अ लिटिल बिट कॉमन सेंस बेस्ड, आई कैन प्लान माई टुमारोज एक्सपेंस, राइट? बट सर्टन एक्सपेंस जिसको मैं एंटिसिपेट ही नहीं कर सकता हूं, वो है इमरजेंसीज, अनएंटिसिपेटेड, जिनके बारे में मेरा कोई तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में है कि ये हो जरूर सकता है कुछ, वो है इमरजेंसीज। वो हर किसी की वेरी करती हैं, किसी लोगों की इमरजेंसीज अगर बैकग्राउंड पहले बनाओ, आइडिया होता है यार ये गड़बड़ चल रही है, अचानक मुझे पैसों से पेश आ जाने किसी दिन, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि नहीं कोई अपेरेंटली तो ऐसे सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, बट माइट, हाँ टायर फ्लैट, यस एग्जैक्टली, एक स्टूडेंट के लिए या एक प्रोफेशनल के लिए इससे बड़े ये अनएंटिसिपेटेड एक जर्क क्या हो सकता है कि आप यू आर गोइंग एंड मूविंग एंड टायर फ्लैट हो जाए, राइट? इवन इनके लिए भी कुछ पैसे कैरी करने पड़ते हैं। एंड थर्ड वन इज योर स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव होते हैं बिजनेस, बिजनेस के लिए भी कुछ पैसे आप लोगों को कैरी करने पड़ते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, स्टॉक एक्सचेंज में, सडन जंप्स आते हैं अप एंड डाउन, सडन आते हैं अप एंड डाउन, लेकिन उसके अंदर आपने प्लान किया होता है कि अगर इधर मुझे रिटर्न को 10% एक्सपेक्टेड है, वहां से मुझे 20% एक्सपेक्टेड है, तो आप इधर से इधर चले जाओगे या इधर से इधर आओगे, ये बिजनेस बेस्ड होते हैं ट्रांजेक्शन। तो स्पेकुलेटिव मोटिव लोग इसलिए भी पैसे अपने पास रखना चाहते हैं कि उनको कोई बिजनेस मोटिव भी होते हैं, उनकी बिजनेस ट्रांजेक्शन भी होती हैं। अब केन्स कहते हैं इन सबको अगर हम जमा कर लें तो ये बन जाती है MD। MD मीन्स डिमांड फॉर मनी, राइट? इसको उसने कहा है LPC, लिक्विडिटी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है कि व्हाई पीपल वांट टू हैव मनी और प्रेफर टू कीप कैश, वही उसने कहा, इसको MD कहते हैं, डिमांड फॉर मनी। तो ये उसके तीन बेसिक रीजंस हो गई। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ओके, आई हैव पेज नंबर 224। बॉटम पे देखें, फोर मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टोटल डिमांड। सर पेज नंबर 224, ओके जी, वो कहते हैं कि फोर मेन फैक्टर्स, नंबर वन द लेवल ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस अगर ज्यादा हो रही हो, इन्फ्लेशन चल रहा हो, तो आपको ज्यादा पैसे कैरी करने पड़ते हैं टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स, इजंट? लाइक आपको पेट्रोल के रेट्स का आइडिया हो गया कि यार पहले ये 60 रुपीज पर लीटर था, तो मैं उस वक्त 10 लीटर ले रहा था तो 600 रिक्वायर्ड थे मुझे, अब वो 70 रुपीज पर डॉलर हुआ है, सॉरी पर लीटर हुआ है, तो 70 रुपीज के हिसाब से 10 लीटर के लिए मुझे नाउ आई हैव टू कैरी 700 रुपीज। पहले मैं पॉकेट में 100 रुपीज भी लेके निकलता था, मेरा लंच अच्छा हो जाता था, लेकिन इन्फ्लेट हो जाएगा तो आई हैव टू कैरी 150 और 200 फॉर माई लंच, फिर ईटेबल्स के लिए, फिर स्टेशनरी के लिए। तो अगर प्राइस लेवल बढ़ जाए देन आई हैव टू कैरी मोर मनी। द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, अगर ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको जरा सुनना है आप लोगों ने, इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में गिर जाए
कम हो जाए तो लोग क्या करते हैं, पीपल प्रेफर टू कीप मनी रादर इन टू बैंक्स। वो अपने पास सोचते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट तो अच्छा मिल नहीं रहा बैंकों में, तो क्या फायदा है, हमें क्या जरूरत है कि आप लोग अब पैसा बैंकों में रखें, राइट। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से भी आप पैसा बैंकों से निकालते हैं और डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है। द लेवल ऑफ रियल नेशनल आउटपुट, ये जो आपकी जीएनपी या जीडीपी होती है, अगर ये बढ़ जाए तब भी आप लोग पैसा ज्यादा अपने पास रखते हैं क्योंकि इनकम ज्यादा होती है। द पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, नई नई सिक्योरिटीज, नए नए इंस्ट्रूमेंट, नए नए प्रोजेक्ट प्लान अगर आ रहे हो, नई नई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हो, तो आप कोशिश करते हैं कि पैसा अपने पास रखें ताकि पैसा टाइम पे आने, अच्छा टाइम मिलने पे उनको परचेज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कोई नई सिक्योरिटी लॉन्च कर दे जिसमें मार्कअप बहुत अच्छा हो, यानी कि आपको अगर मार्कअप अच्छा मिल रहा है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, रियल आउटपुट नेशनल इनकम को कहते हैं, रियल नेशनल इनकम को कहते हैं आप। द लेवल ऑफ रियल नेशनल आउटपुट, नहीं इसकी एग्जांपल नहीं होती, मुझे एक चीज बताएं, अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, ग्रोइंग, चले हम इसको कर लेते हैं, अगर इकोनॉमी ग्रोइंग है, आपका एग्रीकल्चर बड़ा ग्रोइंग है, इंडस्ट्री बड़ी ग्रोइंग है, सर्विस सेक्टर बड़ा पोटेंशियल है, तो ओवरऑल नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जब नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी तो लोगों की इनकम ओवरऑल भी तो बढ़ेगी ना, राइट। तो लोगों को पैसे ज्यादा हो जाएंगे, क्यों, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी ओवरऑल तो लोगों के पास पैसे तो ज्यादा ही आएंगे ना। फिर द पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, फॉर एग्जाम्पल स्टेट कोई नई बॉन्ड, कोई सिक्योरिटी इश्यू करती है, नया कोई बॉन्ड आ जाता है, तो उसके ऊपर आप लोगों को रिटर्न बहुत अच्छा नजर आ रहा है, तो फिर आप क्या कोशिश करते हैं, इसी तरह मार्केट में अगर नई सी नई, जैसे रियल स्टेट के अंदर जब बहुत ज्यादा बिजनेस चल रहा होता है ना, जैसे बैरियर टाउन है, डीएचए है, इनमें अगर, या स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें जब मार्जिन बड़ी स्पीड से इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि पैसा अपने पास होल्ड करके रखें कि जो ही कोई अच्छी फाइल या अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिले मैं फॉर इन्वेस्टमेंट कर दूं और इन्वेस्टमेंट करके गेन करके निकल जाऊं। राइट। ओके, नेक्स्ट पेज पे आए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की डेफिनेशन लिखी हुई है। द आइडिया ऑल एल्स इक्वल पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश, ये अभी जो मैंने पीछे लिखी थी ना एग्जाम्पल, उसको और से देखना आप लोगों ने, पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश लिक्विड रादर देन एसेट दैट आर इलिक्विड। मैंने आपको आज स्टार्ट में डिस्कस किया था, दे विल हाउएवर बी पेड अ प्रीमियम टू होल्ड मनी मोर इलिक्विड एसेट। सबको आइडिया है कि इलिक्विड एसेट जो होते हैं वो प्रीमियम देते हैं, लेकिन लोग फिर भी लिक्विड एसेट की तरफ क्यों जा रहे होते हैं, ये लिक्विड प्रेफरेंस है। नीचे उसने थ्री रीजंस लिखी हुई है, ट्रांजैक्शनल मोटिव्स, प्रेफरेंसेस, प्रिकॉशनरी प्रेफरेंसेस और स्पेकुलेटिव्स, राइट। ये जो हमने अभी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट पेज पे आए, 226 लिक्विडिटी ट्रैप, ये जरा अंडरस्टैंड करना है, लिक्विडिटी ट्रैप। ओके, लिसन केयरफुली, ट्रैप मीन ट्रैप, ट्रैप एक ऐसी क्लच फॉर्म है जिसमें आप जब एक बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप अपने आप को फील करते हैं कि यार मेरे प्लान्स फेल हो रहे हैं। ट्रैप मीन्स कि आपके कोई प्लान्स, आपकी कोई प्लानिंग फ्लॉप हुई है एंड यू गॉट ट्रैप, इजंट, आई जस्ट वांट टू क्लियर द फर्स्ट टर्म, ट्रैप। ट्रैप मीन
आपने प्लान किया कुछ और, सोचा कुछ और, एक्शन इंटेंशन कुछ और थी, लेकिन उस वो अचीव होने की बजाय आप खुद एक प्रॉब्लम में आ गए। इसे कहते हैं ट्रैप हो जाना। अब इसको लिक्विडिटी ट्रैप क्यों कहते हैं, इसका बैकग्राउंड जरा सुना है, इट विल टेक 5 मिनट्स। स्टेट बैंक की इंटेंशन पॉलिसी, इंटेंशनल पॉलिसी होती है मनी सप्लाई को मेंटेन करना। स्टेट बैंक का ये काम है, स्टेट बैंक की असल में ये ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक उसकी ऑब्लिगेशन है कि ही हैज टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ मनी बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट। स्टेट बैंक के पास इंटरेस्ट रेट एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर है, एक ऐसा प्लायर है, एक ऐसी गैजेट है जिसको ट्विस्ट करके वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को अप एंड डाउन मूव करता है, राइट और इंटरेस्ट रेट को भी वो मनी सप्लाई के जरिए ही कंट्रोल करता है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई को भी डिटरमिन करते हैं और डिमांड फॉर मनी को भी करते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी खुद इंटरेस्ट रेट को भी डिटरमिन करता है। अब स्टेट बैंक की प्लानिंग क्या है जो के बाद में फ्लॉप हो जाती है। स्टेट बैंक की प्लानिंग ये होती है कि जब मैं इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम करूंगा तो लोग बोरिंग ज्यादा करेंगे, बोरिंग ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यील्ड आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। वो अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कट करता है। अब वो इंटरेस्ट रेट माइनस से कट करता है, फील क्या आता है उसको कि लोग बोरिंग नहीं करते हैं। वो कहते हैं बोरिंग क्यों नहीं हुई, असल में मिस्टर ए बैंक से पैसा निकाल के करना क्या चाहता है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा ना, क्यों जी मिस्टर ए ने बैंक में 1 मिलियन रुपीज रखे हुए, 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, स्टेट बैंक ने कहा जी इंटरेस्ट रेट कम कर दो, तो मिस्टर ए क्या करेगा, इस पैसे को यहां से ड्रॉ करके कोई अल्टरनेटिव में लेके जाएगा, राइट लेकिन अगर इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं हो, इकोनॉमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, इन्वेस्टमेंट की अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज बहुत हेल्दी नहीं है, बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, वुड यू लाइक टू कीप आई मीन टेक आउट योर मनी फ्रॉम बैंक्स, नो, आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। इट मीन इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट बीन फॉल बट पीपल आर नॉट टेकिंग देयर मनी आउट फ्रॉम बैंक्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, सो दे डोंट वॉन्ट टू कीप योर आई मीन टेक आउट मनी, क्यों मैं किधर लेके जाऊं उसको, इवन आई एम गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट लेकिन यार फिर भी मैं सेफ फील कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, इजंट, एग्जैक्टली, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और समथिंग इज बेटर देन सम अनहेल्दी इवेंट्स। आई मीन मैं यहां से पैसे निकाल लूं इधर ले जाऊं, वहां से कुछ भी ना मिले तो ये तो बिल्कुल लुट गया। So I want to keep my money and I can wait, mind it, sir, I can wait for good time. Good time mean what? कि कभी ना कभी तो interest rate वापस 10% पे आएगा ना।
स्टेट बैंक कहता है, बैंक्स कहते हैं कि सर अभी भी इस इंटरेस्ट रेट को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग बोरिंग नहीं हो रही, बोरिंग नहीं कर रहे। स्टेट बैंक कहता है अच्छा ओके कोई मसला नहीं है, मैं इंटरेस्ट रेट को और नीचे ले जाता हूं। फिर भी वही बात, नहीं हुई इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट, 4, 3, 2, 1 पे आ गए जनाब, इतना लो इंटरेस्ट रेट। स्टेट बैंक कहता है कि अब तो लोग निकालेंगे पैसा बैंकों से, अब तो लोग पैसा बैंकों से निकालेंगे, अब तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन आपके जो अदर ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सो दैट मीन अभी भी आप, लेकिन याद रखें ये रिसेशन है। ये क्या है? रिसेशन, पढ़ा मैंने रिसेशन, हमने बिजनेस साइकिल में बिजनेस कॉन्फिडेंस है ही नहीं, लोग इतना स्केरी हैं, लोग इतने इस वक्त स्केरी हैं कि दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। पिछली इन्वेस्टमेंट ही रिकवर नहीं हो रही थी, पिछले लॉसेज रिकवर नहीं हुए, एग्रीगेट डिमांड फॉल करता जा रहा है, बिजनेस कॉन्फिडेंस शेप्ड है, एब्सोल्युटली नो मोटिवेशन। तो बताएं ये लोएस्ट इंटरेस्ट रेट टारगेट ऑफ मनी सप्लाई और डिमांड फॉर गुड्स अचीव कर पाएगा? नो, आंसर इज सिंपल। तो क्या हुआ फिर? एक तरफ इंटरेस्ट रेट अपने लोएस्ट लेवल पे आ गया, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर वो आपने सीटी स्कैन देखा होगा ना, सीटी स्कैन में डॉक्टर कहता है कि सर ये जो कंडीशन चल रही है ना ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। हम कहते डॉक्टर साहब कुछ करें, वो कहते सर मैंने सारे अपने हर्बे इस्तेमाल कर छोड़े हैं, बट नाउ वी हैव रीच एट अ क्रिटिकल कंडीशन जहां मेरी कोई मेडिसिन, कोई मेडिकेशन, कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहा। दुआ करें जी, दुआ करें। तो ये इकोनॉमी में भी दुआ करने वाला टाइम आ जाता है फिर, राइट? गॉट इट ना? इधर बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, बोरिंग हो नहीं रही, उधर लोग पैसा भी बैंकों से नहीं निकाल रहे। तो मुझे बताएं इधर पैसा बैंकों से निकाल नहीं रहे तो बैंक पे लाइबिलिटी तो बनी हुई है ना, चाहे 1% की बनी हुई है, और बैंक की अर्निंग हो नहीं रही, वो कहां से होनी चाहिए अर्निंग? अर्निंग कहां से होनी थी? बोरिंग से। अगर लोग बोरो करते हैं तो बैंक को रिटर्न आना था यील्ड, उसमें से मार्जिन रखे उन्होंने डिपॉजिट वालों को देना था, डिपॉजिट वाले निकाल नहीं रहे, उनकी पेमेंट भी ड्यू हो रही है, बोरिंग हो नहीं रही, वहां से कोई पैसे आ नहीं रहे। यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? सो बैंक एक ट्रैप में आ गया, बैंकिंग सिस्टम ट्रैप में आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव, स्टेट बैंक के सारे हरबे मतलब इनफेक्टिव। अब बाय ऑल मींस इस सिचुएशन को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। मैं अब इसको पढ़ रहा हूं वहां से, केन्स लिक्विड ट्रैप, इन केस वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो एट और नियर जीरो, बहुत लो हो गए, बड़े ही लो कर दिए। स्टेट बैंक कहता है कि सर इससे कम इंटरेस्ट रेट पे मैं भी नहीं चल सकता। मॉनेटरी पॉलिसी कैन, वो कहता है कि इससे कम मॉनेटरी पॉलिसी जा ही नहीं सकती। सॉरी, अगर सीज टू हैव एनी इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड, इतना लो इंटरेस्ट भी हो गया लेकिन एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। दिस इज नोन एज व्हाट? केन्जियंस लिक्विडिटी ट्रैप। अब नीचे कहता है, अ सिचुएशन वेयर प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट आर लो एंड सेविंग रेट्स आर हाई कॉजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू बी इनफेक्टिव। जब वो मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव होती है, इंटरेस्ट रेट लो होने के बावजूद भी सेविंग ज्यादा है, लोग कहते हैं जनाब 1% ही मिल रहा है ना, सेफ भी है, 1% भी मिल रहा है। अब वो वाली बात जो भी आपने की थी, हमजा कह रहा था समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, वो इस उम्मीद पे वहां पर बैठे हुए पर मॉनेटरी पॉलिसी का बेड़ा गर्क हो गया।
वो रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है इस वक्त। एग्जैक्टली ये बात समझ आनी चाहिए आप लोगों को। वो कहता है कि इसके फिर वे आउट क्या है सर, निकलने का कोई तरीका ही बता दें। कहता पहला काम तो करें फिस्कल पॉलिसी अपनी, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं चल रही ना, सारे इंजेक्शन सारे देख लिए हैं, तो कोई हर्बल कर लो यार, कोई होम्योपैथिक ट्राई कर लो एक बार। होम्योपैथिक के तौर पे फिजिकल मैयर ये है बेटा, मुझे बताओ मैं और आप हम 10 लोग हैं, आप लोग 10 हैं, मैं 11वां हूं, मैं आप सबको कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट करो 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 करो, सारे डरे बैठे हैं। मुझे कहते हैं सर जी आप तो कर नहीं रहे, हमें गए जा रहे हैं। मैं कहता हूं मैं भी करूंगा बाद में यार, आप तो करो पहले। तो इज इट पॉसिबल? नो, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं करता हूं कि यार छोड़ो कोई नहीं करता, मैं इनिशिएट ले करता हूं। मैं इनिशिएट क्या करता हूं, मैं ऑरेंज मेट्रो ट्रेन पे पैसे लगा देता हूं, प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अब ऑरेंज मेट्रो ट्रेन पे लोग कौन है काम करने के? लोग लाहौर के पाकिस्तान के लोग हैं या यूरोप से आए हुए वर्कर्स? इधर से ही यहां को रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी ना, तो कंजम्पशन डिपेंड अपॉन इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो कंजम्पशन बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी, ईटेबल्स की डिमांड बढ़ेगी, वेयरिंग्स की डिमांड बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड मूव होगा अपवर्ड के नहीं होगा, उससे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे गेस्ट हाउस बनना शुरू हो जाएंगे, हॉस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता डिमांड। तो बाकी मेरे बाद जब आप लोग सारे देखेंगे यार मार्केट में डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है, तो आप भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, उससे मल्टीप्लायर और एक्सेलेटर पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, तो वो शूट आएगा कि नहीं आएगा, एक अपवर्ड मूव आएगा कि नहीं आएगा एग्रीगेट डिमांड में। फिर लोग बैंकों की तरफ मूव करेंगे, यार चले पैसा बोरो करें, बैंकों से बोरिंग शुरू हो जाएगी। मुझे भी नजर आएगा यार अब अपॉर्चुनिटी दाएं बाएं नजर, ऑल्टरनेटिव, ये जो स्टार्ट में हमने बात की थी ये वाली ऑल्टरनेटिव, राइट? ऑल्टरनेटिव नजर आ गए लोगों को, जब ऑल्टरनेटिव नजर आएंगे लोगों को तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप अपने डिपॉजिट को यहां से निकालेंगे। जब आप अपने डिपॉजिट कुछ कम करेंगे, राइट, बोरिंग करेंगे आप बैंकों से, बोरिंग बढ़ेगी डिपॉजिट, ये नहीं कि आप अपने कैश ही निकाल लेंगे वहां से, आप और बोरिंग करेंगे तो बैंकों की बोरिंग बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बैंकों का, तो रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। जब वो रिवाइव होगा तो लोग बैंकों में पैसा और भी रखेंगे, डिपॉजिट भी करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो इससे इकॉनमी लिक्विड ट्रैप से निकल जाएगी। सेकंड, राइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ओके, अच्छा, अब राइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या होती है जी? आपको अगर उम्मीद आए कि यार ये रियल स्टेट में कल कलांको या ये शेयर्स मार्केट में कल कलांको ये एक बूम आने वाला है, तो आज ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर देंगे इसमें, तो उससे भी क्या होगा, लिक्विड ट्रैप ब्रेक होगा। एक्सपेक्टेशंस ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स, ये बड़ा एक आई मीन यूजलेस सा उसने कहा है, लेकिन बाल उसने लिखा हुआ है। अगर स्टेट बैंक लोगों को ये रूमर दे दे बैंकों के जरिए कि सर जी स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना, जिस उम्मीद से आप बैठे हुए ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो आप बैठे हुए हो, स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कोई नहीं बढ़ाना, यही रहना है, तो लोग फिर डिसअपॉइंट होके अदर अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे, जिससे लिक्विड ट्रैप ब्रेक हो जाएगा, राइट? आगे जो दो डायग्राम्स बनी हुई है, तीन, राइज एंड फॉल की, इनकी वेस है पेज नंबर 224 पे, जो मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको, फोर मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टोटल डिमांड लिखा हुआ है। उन फोर फैक्टर्स की वजह से
डिमांड फॉर मनी राइटवर्ड और इनवर्ड शिफ्ट होती है. गॉट इट? राइट. ओके. आज कल हमने टेस्ट हम लेंगे मंडे को, कल और परसों पढ़ लें हम थोड़ा सा और. राइट. और फिर आपको मैं टाइम दूंगा मनी के पोर्शन का, फाइनेंस में से मनी के पोर्शन का हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे. ओके. मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर क्या करने वाले? चले फिर ऐसा करें, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन एंड बिजनेस साइकिल. मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन एंड बिजनेस साइकिल, इसका टेस्ट है इंशाल्लाह सैटरडे को. ओके. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.